आज क्लास फोर्थ में सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी में हमने लेसन एट पढ़ लिया है। लेसन का नाम था हमारा कौन। ओके, क्या नाम था लेसन का? कौन, जिसमें पोयम थी कौन, और उस पोयम में हमें एक ऐसे जानवर के बारे में बताया गया था जो सारी चीजों को उतरता है, कपड़े, जूते, चप्पल, है ना, और घर का अनाज और सारी कॉपी की उतर उतर के उनकी जिले सारी फाड़ देता है। रात को दिन भर, रात को पूरे टाइम, रात में वो क्या करता है, कुकुर की आवाज करता है और इधर से उधर दौड़ लगाता है, है ना। तो ऐसा जानवर कौन था? चूहा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कौन कविता में, ये सब हमको बताया गया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। तो ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझना है, इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। तो उस पीडीएफ में से आप आपके सारे क्वेश्चन आंसर और आपके एक्सरसाइज आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अभी मैं केवल आपको ये सब कुछ समझा रही हूँ। ओके, तो फटाफट से अपनी बुक ओपन करेंगे सब और पेज नंबर निकालेंगे 64। पेज नंबर 64 पर आपको मिलेगा कौन, लेसन कौन की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन है, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ घुस सकता है। आपने कविता पढ़ी है अभी, उस कविता में आपको पता पड़ा होगा कि शरारती जीव यानी चूहा कहाँ कहाँ पे घुस सकता है। तो कहाँ कहाँ घुस सकता है? वो कपड़ों में, कपड़ों की अलमारी में, और उसके बाद पुस्तकों में घुस सकता है, तस्वीर जो टंगी हुई तस्वीर है उसमें घुस सकता है, उसको नीचे गिरा सकता है ना। अनाज जहाँ पर रखा हुआ रहता है वहां घुस सकता है, इतनी जगहों पर ये शरारती जीव घुस सकता है। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी चीज का हुआ है? अनाज। किस चीज का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ? अनाज, क्योंकि चूहे जो रहते हैं वो अनाज की ज्यादा से ज्यादा गेहूं, चावल, ये जो पड़े हुए रहते हैं ना, तो इनमें घुस के और इनको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खा के और ऐसे उधर उधर के रख देते हैं उसको। फिर उसके नंबर बाद में ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा होता है? आपको अनाज का नुकसान बताया है और कपड़ों का नुकसान बताया है, जूतों का नुकसान बताया है, तो इन और आपको पुस्तकों का नुकसान, इन सब नुकसान के बारे में कविता में बताया गया था। इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी चीज का हो सकता है? पुस्तकों का नुकसान, है ना। जो अपनी किताबें रहती हैं वो अगर चूहा कतर देता है तो वो किताबें पूरी तो वापस नहीं मिल पाती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होता है? पुस्तकों का होता है, क्योंकि चूहे क्या करते हैं, आधी पुस्तक ऊपर से उतर देते हैं, नीचे से उतर देते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ जाते हैं, फिर इन दोनों से लेसन पूरा पढ़ जाता है, तो अपने को वापस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? किसकी शैतानी की बात कही गई है? चूहे की, है ना। और किताब में जो आपको दिखाया गया है कि बार बार उतरता है, कपड़े उतरता है, जूते उतरता है, पुस्तक उतरता है, तो इन सारी चीजों से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इस कविता में चूहे के बारे में बताया गया है, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट होते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया, काटा, अब तुम बताओ नीचे जो चीजें दी गई है कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है। जैसे बॉक्स बना रखे हैं, एक बॉक्स में लिखा है कुतरा जा सकता है, दूसरे में बिखराया जा सकता है, और तीसरे में काटा जा सकता है। अब कुतराया जा सकता है कौन कौन सी चीजें आएगी? कपड़ा, अनाज, प्लास्टिक, चमड़ा, ये सारी काम में आती कुतर में, है ना, कुतरा जा सकता है। उसके बाद में बिखरने में, जो बिखर जाती है जमीन पर से, तो क्या क्या बिखर जाता है? अनाज, चीनी, नमक और दूध, है ना। जैसे बीच अगर धुल जाता है तो क्या हो जाता है? पूरा बिखर जाता है, फिर अपने को क्या करना पड़ता है? एक एक करके उतारना पड़ता है, है ना। अब काटा जा सकता है, कौन सी चीजों को काटा जा सकता है? रस्सी है, कपड़ा है, कागज है और तार, इन चीजों को क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। तो अपने को यहाँ पर इन बॉक्स के अंदर अपने को लिखना है। अब उसके नीचे आ जाइए आप, जहां पर लिखा है कबाड़ का हिस्सा, उसमें क्वेश्चन है कबाड़ी का, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, जिसे अपने आप अपन दिवाली की सफाई करते हैं या फिर अपन और
अखबार की रद्दी लेके जाता है, काफी किताब लेके जाता है, उसके बाद फिर पुराने जो प्लास्टिक के डब्बे रहते हैं, प्लास्टिक की छोटी छोटी डिब्बियां रहती है, लोहे का सामान, ये सब कौन लेके जाता है? कबाड़ी लेके जाता है। फिर उसके नीचे तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है? जब अपने घर से सारा सामान कबाड़ी ले जाता है तो वो क्या करता है? फैक्ट्रियों में बेच देता है, या फिर अटारे की दुकान रहती है वहां पर वो जाकर के बेच देता है। वो जो अटाले की दुकान वाला रहता है ना, वो सब अटाला अलग अलग कर देता है, प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, कपड़ा अलग, जूते चप्पल चमड़ा अलग, ये सब अलग अलग करके और फिर उसको फैक्ट्रियों में बेच दिया जाता है। उसके बाद अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? अगर अपने घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है, रद्दी पेपर है, डब्बे है, पुराने प्लास्टिक के डब्बे है, लोहा है, ये सब अपने इकट्ठा हो जाए तो अपना घर क्या बन जाएगा? पूरा कबाड़ खाना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अटाला घर, मतलब उस घर में सिर्फ अटाला ही दिखेगा, है ना, इसलिए उस अटाले को अपने को देना पड़ता है। ओके, तो ये पेज नंबर अपना 64 कंप्लीट हुआ है। अब आप पेज नंबर 65 पर आ जाइए। ऊपर आपको दिया है तुम्हारे घर में यदि यह शरारती जीव है या उसकी खोज घुस गई है तो पता करो कि तुम उससे कैसे निपटोगे। अगर आपके घर में चूहा घुस आता है या चूहों की बहुत सारे मतलब 4-5 चूहे घुस आते हैं जो बहुत अपना नुकसान करते हैं, तो अपन क्या करते हैं उससे बचने के लिए? पिंजरा लगाते हैं, चूहे दानी, है ना, चूहे दानी लगाते हैं, उसमें अपन उसको फंसाते हैं, उसमें अपन उसको बुलाते हैं, उसके अंदर फंस जाता है वो, उसको ले जाके छोड़ देते हैं। या फिर बिल्ली को पाल कर भी अपन उस चूहे को भगा सकते हैं, क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है। ठीक है, अब उसके बाद इस शरारती जीव के अलावा कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस सकते हैं? कौन कौन से घुस सकते हैं? बिल्ली, छिपकली, मक्खी, कॉकरोच, मकड़ी, चींटियां, मच्छर, ये सारे जीव अपने घर में घुस सकते हैं। और सभी के घर में होते ही है, ये है ना, कॉकरोच, चींटियां, ये सभी के घर में आती है। अब सबसे लास्ट है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचिए उनका अर्थ आपको बताना है क्या है। तो सबसे इसमें आपको कुछ लाइन्स दी हुई है, तो उस लाइन्स के नीचे आपको एक अंडरलाइन दी हुई है, उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है। कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। अब यहाँ पर आपको खलीता पर लाइन दी हुई है, तो खलीता मीन्स क्या होता है? थैली। क्या होता है? खलीता मीन्स थैली। तो अपन नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपन खलीता और उसके पास में अपन लिख देंगे थैली, उसका मीनिंग क्या हो गया? थैली। अब ख, रोज टांगता था धो दो घर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब छन्ने के नीचे लाइन लगेगी, दिख रहा है आपको यहाँ पे? जिसके पास बुक है वो बुक में आसानी से देख सकते हैं, और अगर नहीं है तो पीडीएफ आएगा, तो पीडीएफ में आप ये देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा छन्ने। अब छन्ने का अर्थ क्या होता है? छानने वाला भारी कपड़ा, ठीक है, जिससे अपन चीजों को छानते हैं। अब ग, रोज रात भर जगता रहता कुकुर इधर उधर है धाता। धाता के नीचे लाइन लिख दिया, लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन लिख दिया आपको धाता। धाता मीन्स होता है दौड़ना। क्या होता है? धाता मीन्स दौड़ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपकी इस लेसन की कंप्लीट होती है, पार्ट 8 की। अब आपको जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसमें आप उसमें से देख करके आप क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको 1 नंबर की कॉपी में लिखना है, 2 नंबर में अपने को सारा व्याकरण का लिखना है, उसमें उसको मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग ही रखना है आपको। ओके, तो अच्छे से लिखेंगे, राइट प्रॉपरली, कॉपी अच्छे से बनाएंगे, कभी कॉपी देखने के लिए बुलाई जा सकती है आपकी। और एग्जाम होगी तो आपको एग्जाम में घर पर ही पेपर देना है बैठ करके, लेकिन जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, अच्छे से लिखेंगे नहीं, तो आपको लर्न नहीं होगा, है ना, एक्सरसाइज अच्छे से लर्न नहीं होगी। इसलिए अच्छे से उसको पीडीएफ में से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, तो जब होगा जब आपको एग्जाम में लेसन आएगा तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बुक की रीडिंग करते रहिए। रोज आपको बुक रीडिंग करना है, 15 मिनट या आधा घंटा जितनी भी देर आप कर सकते हैं बुक की रीडिंग करिए। रीडिंग करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी रीडिंग, तो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये लेसन हमारा आज लेसन 8 कम्प्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन